हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस में, इसके हमने दो वीडियोस पहले बना चुके हैं। आज जो हम तीसरी वीडियो में लेंगे उसमें लेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन एवं सम्मेलन 2014। हमें पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर, कब? 2014 में। अब उसमें क्या ऐसा विषय रहा कि इस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में क्या ऐसा विषय रहा, क्या क्या इस पे बातें हुई, कौन से ऐसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर इस पर विचार किया गया। अब हमने देखना है इसमें कि जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP20, अब इसको देख लेना, इसको नाम दिया गया इस सम्मेलन को, क्या नाम दिया गया? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP20। देखो, 20th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNFCCC। अब ये कहाँ हुआ? देखो कहाँ हुआ, पेरू की राजधानी लीमा में। कहाँ हुआ ये भाई? पेरू की राजधानी लीमा में 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक और 2014 में इसको आयोजित किया गया। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि दुनिया के 194 देश है। अभी हमें पता है संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने कैंडिडेट हैं, कितने सदस्य देश हैं, 193, लेकिन इसमें कितने बता रहा है, 194, यानी कि ये सदस्य उस समय उसमें प्रतिनिधित्व क्या है 194 देशों के कैंडिडेट्स ने। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए 12,500 राजनीतिज्ञ, अब देखो राजनयिक, जलवायु कार्यकर्ता एवं मीडिया कर्मियों ने भाग लिया किसमें, इस सम्मेलन में। कहां हुआ ये सम्मेलन भैया? पेरू की राजधानी लीमा में। कब से कब तक? 1 से 14 दिसंबर तक। और इसको हमें एक एक नंबर के क्वेश्चन है, हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। और हमें पता होना चाहिए कि इस जो ये सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता किसने की, किसने की इसकी अध्यक्षता? वो थे पेरू के पर्यावरण मंत्री मैनुअल पुलगर विदाल, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी संबोधित किया। अब मुझे तुम बताओगे कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन? प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि उस समय जो हमारे यहाँ पर्यावरण वन मंत्री थे वो कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति क्या करना, उसमें आम सहमति वाले प्रारूप की स्वीकृति को रहे, जिसमें भारत सहित विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया गया। इस सम्मेलन में भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता यह थी कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में जो वैश्विक कार्बन की कटौती थी कि राष्ट्रीय संकल्पों के लिए बने सहमति प्रारूप में भारत की सभी बातों को मानते हुए विकासशील देशों की चिंताएं, हमें ये भी पता है कि विकासशील देशों की चिंता सबसे ज्यादा है क्योंकि उनको जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन करती है, ये जो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है किससे, कौन से देशों से होता है? विकसित देशों से, क्योंकि विकासशील देशों के पास तो वित्तीय साधन है ही नहीं कि वो इतना सारा पोल्यूशन कर दें। तो सबसे बड़ी बात, उन्होंने तो अभी अपना विकास शुरू किया है और शुरू होते ही उन पर बैन लगा दिया गया। क्या अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऐसे जो विकसित कंट्रीज हैं उनमें तो ये इन चीजों का इस्तेमाल कर चुके, वो एसी का है, फ्रिज का है, इन सब का इस्तेमाल कर चुके, लेकिन विकासशील देशों के पास तो अभी धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं आ रही थी, जो सुविधाएं थी धीरे धीरे आ रही थी, तो उनपे अभी से बैन हो जाए। इसलिए इस बात को मानते हुए कि विकसित देशों, विकासशील देशों को भी कुछ राहत दी जाए, इसका समाधान किया गया। अमीर देशों को अधिक कठोर वित्तीय मदद की प्रतिबद्धताएं करने, वह 2020 में हरित जलवायु कोष बढ़ाकर कितना कर दिया गया, इसमें कर दिया गया भाई $1 अरब प्रतिवर्ष करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया, यानी कि इस कोष में इतना सारा डॉलर इकट्ठा कर सकते हैं। अगला था समझौते के अनुसार सभी संयुक्त राष्ट्र संघ देश, अभी कितने हैं, 193, भाग कितने ने लिया, 194 सदस्यों ने लिया, विश्व में लगभग कितनी कंट्रीज हैं, 206 या 7 होंगी ना, पता होना चाहिए हमें। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्बन उत्सर्जन में
कटौती के लक्ष्य को पेरिस सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा। अगला जो सम्मेलन होगा वो होगा उसके उसमें इसको उत्सर्जन कटौती को प्रस्तुत करेगा। कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पेरिस सम्मेलन था वो कब हुआ? 2015 में। पहला कब हुआ? 2014 में। कहां? पेरू में। अब इसके बाद देखते हैं हम 2015 का सम्मेलन। आज इसमें देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रांस की राजधानी कहां? पेरिस में। कब से कब तक? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 में आयोजित किया गया। अब याद करो वो पहला पेरू वाला कितनी तारीख में हुआ था? 1 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में। और ये कब हुआ? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ UNFCCC दलों का यह 21वीं वार्षिक सत्र में होने के कारण इसे COP21 के नाम से जाना जाता है। और उसको किसके नाम से जाना गया? COP20। ध्यान रहेगा। अब पृथ्वी सम्मेलन के अवसर पर 22 अप्रैल को भारत सहित 175 देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्ताक्षर किए। अब उसमें देखो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बताइए? 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें कितना? 175। ये जो प्रतिनिधियों का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पहले हो गया था 22 अप्रैल को, इसमें हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से जो पर्यावरण मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समारोह में हस्ताक्षर किए। अब मुझे प्रश्न तुम्हारे सामने आ गया कि उस समय 2015 में जो भारत के पर्यावरण मंत्री कौन थे? हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। यह किसी एक दिन में विश्व में इतनी बड़ी संख्या में देशों को और से समझौते पर हस्ताक्षर का रिकॉर्ड था। इससे पहले 1982 में हुआ 119 देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए जुड़ी संविदा पर हस्ताक्षर किए। अब पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों को अपने देशों की देश की संसद ने इसे समझौते का अनुमोदन करना होगा। भाई यहाँ हो गया कि तुम्हें अब अपनी संसद के सामने ये रखना है और वहां अनुमोदन करना है। विश्व के कम से कम 155 देश कार्बन जो है कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार 55 देशों के अनुमोदन करने के 30 दिनों के भीतर यह अस्तित्व में आया। समझौते के तहत क्या हुआ कि 21वीं सदी में दुनिया के तापमान में वृद्धि 2 डिग्री से कम स्तर तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया कि जो अभी चल रहा है उससे 2 डिग्री कम हो जाए अगले साल तक। भारत ने जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में कटौती के साथ क्या किया? 2022 तक 175 मेगावाट लक्ष्य अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा। उसके बाद देखो पेरिस समझौता विकासशील देशों के विकास की अनिवार्यताओं को सुनिश्चित करता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर ट्वीट कर माध्यम से कहा कि पेरिस समझौतों में ना कोई विजेता है न ही किसी की हार हुई है, पर्यावरण को लेकर न्याय की जीत हुई है, सब एक हरे भरे भविष्य पर काम कर रहे हैं। जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कर रहे फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस समझौते को धरती के लिए महान दिन कहा। क्या कहा? महान दिन। अब इसको अंडरलाइन करना कि जो 2015 में फ्रांस में जो पेरिस सम्मेलन हुआ था उसको वहां के राष्ट्रपति ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? धरती के महान दिन का नाम दिया। और हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस पे ट्वीट किया था वो क्या था? पेरिस समझौते में ना कोई विजित हुआ है और ना ही किसी की हार। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसमें विकसित राष्ट्रों पर थोड़ा सा बैन लगा दिया गया था और विकासशील राष्ट्रों को थोड़ी छूट दे दी गई थी, तो इस आधार पर न कोई किसी की विजेता रहा न ही कोई हारा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव बान की मून ने कहा कि यह कदम न केवल धरती के पर्यावरण को बचाएगा बल्कि गरीबी का अंत करेगा। हमें ध्यान में आ गया उस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? बान की मून। अभी वर्तमान में कौन है ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में डालना है, इसका आंसर मैं बाद में दूंगी तुम्हें। भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, यह समझौता नहीं 7 अरब लोगों के जीवन में एक नया अध्याय है। 7 अरब लोग कौन? यानी कि पूरे विश्व के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि यह एक क्या है? एक नया अध्याय है। गांधी जी कहा करते थे हमें यह धरती अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली है बल्कि आने वाली पीढ़ियों ने इसे हमें कर्ज में दिया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम लोग जानते हो कि घर की जमीन है जायदाद है वो हमारे पुरखों ने दी है, ऐसा नहीं है, ये हमारे ऊपर कर्ज है। किसका? आने वाली पीढ़ी का। अगर हम इसको सुरक्षित रख पाए तो हम उनका कर्जा उतार देंगे, अदरवाइज हम इसको नष्ट कर देंगे। हमें पता है कि पेट्रोल जो हमारे हम इतना उत्खनन कर रहे हैं, इतना इसको यूज ले रहे हैं, इसको खत्म कर देंगे।
खत्म हो जाएगा तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? वो फिर वो वैसे स्थिति में आ जाएंगे जैसे हमने देखा पुरातत्व पुरातन समय में देखा कि बैलगाड़ी में चल रहे, तो वो ही स्थिति हमारी आ जाएगी अगर हमने इस पृथ्वी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो। अब हमने देखा पंडित दीनदयाल की जयंती 25 सितंबर को आती है भाई, ध्यान करना 25 सितंबर 2016 के इसमें अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पेरिस में समझौते की शर्तें को 2 अक्टूबर 2016 को लागू कर दिया जाएगा। अब बताइए 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे आता है भाई, किसका जन्मदिन आता है? महात्मा गांधी जी को तो जानते हैं सब, दूसरा कौन? दूसरे का नाम बताइए हमें कमेंट बॉक्स में डालिए कि 2 अक्टूबर को ऐसे कौन महान नेता है जिनका जन्मदिन है महात्मा गांधी के अलावा। इसी अनुसार 2 अक्टूबर 2016 को भारत में इस समझौते की क्रियान्वित हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। आप देखते हैं हमारे संविधान में, यानी कि हमारे संविधान में भी ऐसे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि भारत के संविधान में पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है अभी हमें देखना है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित करते हुए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों व मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। हमें पता है कि मूल कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू हुए और उसमें पर्यावरण के लिए एक पॉइंट डाला गया था, और इससे पहले जो हमारे नीति निर्देशक तत्व थे उनमें पर्यावरण को लेकर के पॉइंट है। अनुच्छेद 48 क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से लेके 52 तक, याद रखना 51 तक, सॉरी वहां तक क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व। राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा तथा अन्य जीवन को वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है, ये हमारे नीति निर्देशक। इसी प्रकार भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील अन्य जीव भी इसकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। तो ये हो गया हमारा। फिर देखते हैं अनुच्छेद 21, ये क्या हमारा, ध्यान करो भाई, अनुच्छेद 21 ये हमारा मूल अधिकार है। इसमें बताया गया प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए जो उसके जीवन स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचाता हो। ये भी हमारा, अब हमारे फर्स्ट में क्या आ गया, नीति निर्देशक तत्व, सेकंड में क्या है, मूल कर्तव्य, तीसरे में क्या आ गया, मूल अधिकार। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है अनुच्छेद 252-53 काफी महत्वपूर्ण माना गया है इसके लिए। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिए अधिकृत है कौन, भारतीय संविधान, संसद कानून बना सकती है। अभी जब हमें लगता है कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, इसके खिलाफ कानून बनाया जाए, तो वो बना सकते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत, 252 और 53 के तहत, ध्यान रखना इसको। अब आते हैं भाई, भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं, इसको असंतुलित होने वाले दुष्प्रभावों से रक्षा हेतु भी ध्यान दिया गया है। इस हेतु अधिनियम पारित हुए हैं अनेक। अब हम देखना पहला अधिनियम जो भारत में पारित हुआ क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी कि हमने इसमें देखना है इस अधिनियम को कब 23 मई 1986 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अब हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि उस समय किस समय 1986 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना। अगर तुम्हें नहीं आएगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी इसका आंसर। इस अधिनियम में प्रदूषण को निर्धारित मानदंडों का प्रथम बार उल्लंघन करने वाले को कितने वर्ष की कैद, 5 वर्ष की कैद, और कितना जुर्माना भाई, 1,00,000 जुर्माना का प्रावधान किया गया। मानदंडों का निरंतर उल्लंघन करने पर दैनिक 5,000 रुपये जुर्माना और 7 वर्ष की कैद का प्रावधान भी कर दिया गया। अब बताओ कोई भरेगा इतना, नहीं ना, तो हमें क्या नहीं करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, उसको हानि नहीं पहुंचानी है। इस अधिनियम की धारा 5 के तहत प्राधिकृत है कि अपनी शक्तियों को निष्पादन हेतु स्थापित प्राधिकारियों को लिखित निर्देश दे। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि इस अधिनियम की पालना न होने पर क्या करे, वो एक्शन लेगी, उद्योगों को बंद करवाने एवं बिजली पानी सेवाएं रोकने के निर्देश दे सकती है अगर उन्होंने पालना नहीं की। हम देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या फिर गाड़ी को चलाने के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेते हैं ना, हाँ, तो वो ही सिस्टम इसमें है। अगला है
वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। अब ये क्या, पहले 86 हो गया, अब 81 हो गया। इस अधिनियम से राज्य सरकार अपने विवेक से किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित नियंत्रण करने क्षेत्र घोषित कर सकती है। समस्त औद्योगिक इकाइयों को राज्य बोर्ड के अनामित प्रमाण पत्र लेना होगा, ठीक है। अगला है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, और इसका संशोधन कब किया गया, 1988 में। इसका विशेषता जल को प्रदूषित मुक्त रखने के उपायों से संबंधित है। उद्योग की स्थापना से पहले क्या करना पड़ेगा, प्रदूषणकर्ताओं को कड़े दंड व शासित का प्रावधान है। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब, 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया। इसको अंडरलाइन कर लेना, एक नंबर का प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन कब पारित हुआ, 9 सितंबर 1972 को। इसमें वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अधिनियम मील का पत्थर हुआ। इस अधिनियम द्वारा वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर कौन सी संवर्ती सूची में डाल दिया गया भैया। अब संवर्ती सूची में कौन कौन कानून बना सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं संवर्ती सूची में, और राज्य सूची पर सिर्फ कानून कौन बना सकती है, उस पर राज्य बना सकते हैं। इसकी क्या किया गया, इसकी विशेषताएं थी, देखो फटाफट। वन्य पशुओं के संरक्षण व प्रबंधन को सुनिश्चित करना, पशु शिकार उनके चमड़े व चमड़े से बने वस्त्र पर निषिद्ध करना, अवैध आखेट को रोकथाम करना, आखेट समझते हैं ना, शिकार करना, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना, उल्लंघन पर अधिकारियों को कितने, 3 से 5 वर्ष का कारावास या दंड दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, और जुर्माना कितना, 5,000 रुपए। राष्ट्रीय पशु बाघ व मोर के शिकार पर संबंधित अपराधी को कितने साल, 10 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। अब आते हैं हम पर्यावरण संरक्षण कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले। इसमें देखो क्या, इसमें देखो भाई, पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए हमारी न्यायपालिका हमेशा तत्परता दिखाती है और इसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी करती है। अब देखो, सबसे पहले सभी सिनेमा हॉल, चल सिनेमा, वीडियो पार्लर अनिवार्य रूप से कम 2 पर्यावरण संबंधित फिल्मों का संदेश अनिवार्य रूप से शो में निःशुल्क दिखाएंगे। इसका लाइसेंस जारी करते समय ये प्रावधान कर दिया जाता है, शर्त रख दी जाती है। सिनेमा हॉलों द्वारा लघु अवधि को पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी सूचना प्रदर फिल्म दिखानी होगी, तभी उनको मान्यता मिलती है। पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी रुचिकर कार्यक्रम प्रतिदिन 5 से 7 मिनट दिखाए जाएंगे। छात्रों में सामान्य जागृति लाने के लिए पर्यावरण को विद्यालय, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य विषय बना दिया गया है, हमें पता है ना। सन 1996 में उच्चतम न्यायालय ने संघीय कार्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारों को दिल्ली के ऐतिहासिक नगर को प्रतिदिन साफ करने, सघन वानिकी अभियान को चलाने तथा आरक्षित वन कानून लागू करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने जन समस्या तथा आगरा ताजमहल विश्व की धरोहर को बचाने के लिए 292 कोयले आधारित उद्योगों को बंद करने के लिए कर दिया गया है। न्यायालय ने 1999 में सचिव पर्यावरण वन मंत्रालय तथा सचिव पर्यावरण पर्यटन मंत्रालय को निर्देश दिया क्या, कि पर्यटकों के से एकत्रित किया गया कोष लगभग 20 करोड़ स्मारक के संरक्षण तथा नगर के सौंदर्यकरण का व्यय किया जाएगा। हमें पता है ना, हमारे विदेशों से पर्यटक आते हैं, उनसे हमारी क्या होती है, इनकम होती है। उच्चतम न्यायालय ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या निर्देश जारी कर दिए, 2000 से 4 महानगरों, कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली में अप्रैल 2001 में क्या टैक्सियों, ऑटो रिक्शा तथा बसों में सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाएगा, और सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया जाएगा। अब इसमें देखो, ये पर्यावरण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण दिवस सबको ध्यान है ना, देख लेना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, वन महोत्सव 28 जुलाई को, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ये हमारे इम्पोर्टेंट डेज हैं। जो विश्व पर्यावरण दिवस पिछली बार आया था 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस भी आ चुका है प्रश्न 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो थोड़ा सा देख लेना। अब आ सकता है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ये याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं हमारे सामने। आगे देखते हैं हम उपभोक्तावादी संस्कृति, यानी कि कल्चर ऑफ कंज्यूमराइज्म। अब देखो, उपभोक्ता एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ क्या है, समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है, उसे बस सही तरीके के रूप में इस्तेमाल करना है। उद्योगपति अपने निजी लाभ के लिए जो वस्तुएं बाजार में बेचते हैं उसके प्रति ग्राहकों को क्या करना, आकर्षित करते हैं, उनके लिए मन में कृत्रिम इच्छाओं को जागृत करते हैं। हम देखते हैं ना, ऐड आते हैं कितने सारे, हम टीवी में देखते हैं ऐड, तो अपना क्या करते हैं, प्रचार करते हैं।
अमेरिका की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 5% होते हुए भी विश्व में कुल पेट्रोलियम उत्पादनों का कितना 20% व्यय अमेरिकी उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। देखो संख्या तो कितनी, मात्र 5%, उपयोग कितना 20%। इस तरह विकसित देशों के घरों में, वाहनों में भी एयर कंडीशन का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है। भारत में तो धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ रहा है भैया। ये विकसित राष्ट्र सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं। इन कारणों से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। उसके बाद देखो, हम पिछले कुछ दशकों में से आपूर्ति का अर्थशास्त्र सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की अवधारणा खूब चल रही है कि माल बनाते रहो, ग्राहक तो मिल ही जाएंगे। हम जैसे चाइना को देखते ना, बनाते रहते हैं जैसे भी हो, यूज एंड थ्रो, हल्का सामान है, बनता रहे चलता रहे। जहां ग्राहक तैयार नहीं, वहां विज्ञापनों द्वारा आकर्षण पैदा करके ग्राहक तैयार किए जाते हैं। हम देखते हैं मोबाइल के, टीवी के, कूलर के, फ्रिज के कितने शानदार एड दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचना है और सामान उपभोक्ता को रिहाज तैयार करना है। तो हम देखते हैं वर्तमान के मुकाबले एक उत्पादन उत्पाद का औसत जीवन काल के 1980 के दशक में 3 गुना अधिक हो गया। इसके साथ उत्पादकों की पैकिंग सामग्री डिस्पोजेबल उत्पादों के लिए बढ़ावा मिलने से अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण दुनिया के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बन गई। हम जानते हैं कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट हमारे सामने आएंगे, उतना ही ज्यादा हम उसको यूज लेने की वो करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारे सामने पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। उसके बाद देखो, विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों की खपत हम वर्तमान दर से करते रहे तो भूगर्भ में उपलब्ध तांबा कब 273 साल बाद खत्म हो जाएगा, कोबाल्ट प्लेटिनियम कब हो जाएगा 400 साल बाद नहीं मिलेगा हमें, पेट्रोल मात्र 49 साल बाद ही खत्म, पेट्रोलियम गैस 60 साल बाद नहीं मिलेगा, कोयला कुछ सालों से धरती से गायब हो जाएगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो खनिज खत्म हो जाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। तो हमारे सामने सबसे बड़ी दुखद घटना यही है कि हम पृथ्वी के जो खनिज हैं उनका निरंतर दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उपभोक्तावादी इस संस्कृति में मनुष्य निरंतर आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा रखने के कारण मानसिक तनाव का शिकार। हमारी संस्कृति के में आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए संयमित व सात्विक जीवन शैली अपनाने की जो बात कही गई है, वह आज न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए क्या हो रही है, प्रासंगिक हो रही है। हम जानते हैं ना कि जियो और जीने दो, धरती हमारी माता है, इसकी सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी। ये जो हमारी संस्कृति के शब्द है या हमारी संस्कृति है, ये आज हमारे विश्व के सामने एक उदाहरण बनकर पेश हो रही है। धरती किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये सभी की है, हमें पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली है कि ये भावी पीढ़ी की धरोहर है जिसे हमें संजो कर रखना है और उसको वर्तमान प्रकृति संसाधनों को सुरक्षित रखने का दायित्व से हम बंधे हुए हैं, हमें रखना है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे सके। हम देखते हैं पर महत्वपूर्ण बिंदु हम सारे रीड कर ही लेंगे। जैसे राजस्थान के खेजड़ली गांव बिश्नोई समुदाय में कितने 363 लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में प्राण आहुति दी। पृथ्वी का तापक्रम बढ़ने के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्तरदायी है और कौन कौन सी है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ग्लोबल वार्मिंग विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, हमें पता है। परिणाम स्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में डूबने का खतरा बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। और इस प्रकार हमने ये महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लिए, आगे हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। और तब तक तुम लोग इसके देखना और जो तुम्हें समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में डालना, मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद। We'll be right back.